नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल INT हिंदी टेक में। दोस्तों बहुत दिनों से लगातार हमें ये कमेंट मिल रहा था कि फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप हमने ले रखा है, फिर भी हमसे डिलीवरी चार्ज और शिपिंग चार्ज वसूले जा रहा है फ्लिपकार्ट की तरफ से। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा क्लियर करके बताएंगे कि किस तरह से आपसे डिलीवरी चार्ज लिया जा रहा है, क्या वो डिलीवरी चार्ज फ्लिपकार्ट की तरफ से लिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे करके आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक जरूर देखना। यहां पर आप देख सकते हैं हम फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप ले रखे हैं जो जिसका वैलिडिटी 29 नवंबर 2020 तक है। अब हम आपको डायरेक्ट कार्ट में लिए चलते हैं जहां पर हमने कुछ प्रोडक्ट को यहां पर कार्ट में ऐड करके रखा है, जिसमें से कुछ प्रोडक्ट पर हमें डिलीवरी चार्ज लग रही है और जिसमें से कुछ प्रोडक्ट पर हमें डिलीवरी चार्ज नहीं लग रही है। अगर हम सबसे पहले प्रोडक्ट के बारे में बात करें तो 69 रुपये का ये प्रोडक्ट है जिसमें हमसे डिलीवरी चार्ज 25 रुपये लिया जा रहा है। इस पर हम क्लिक करके आपको विस्तारित रूप से बताना चाहेंगे। तो सबसे पहला नंबर बात, इस प्रोडक्ट पर फ्लिपकार्ट का एसयूड नहीं लगा हुआ है। वो आगे की वीडियो में पता चल जाएगा कि एसयूड क्या होता है। तो यहाँ पर एसयूड नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब समझ लो कि यहाँ पर जो सेलर ये जो प्रोडक्ट बेच रहा है ना, वो बिना एसयूड का बेच रहा है। और यहाँ पर सेलर की तरफ से अगर डिलीवरी चार्ज रखी जाती है तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ेगा। अगर जिस प्रोडक्ट में एसयूड लगा हुआ है उसमें आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगती है, या फिर कुछ ऐसे सेलर भी होते हैं जिस प्रोडक्ट में एसयूड नहीं लगा होता है उस पर भी डिलीवरी चार्ज नहीं लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है सेलर के ऊपर। अगर हम इस प्रोडक्ट को देखें तो यहाँ पर स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि डिलीवरी चार्ज 25 रुपये इस सेलर द्वारा लिया जा रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्लिपकार्ट ने ये दावा किया था कि आपसे शिपिंग चार्ज या फिर डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा अगर आप फ्लिपकार्ट का एक प्लस मेंबरशिप होती हैं तो दोस्तों सबसे बड़ा बात यहाँ पर यह है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि यह जो डिलीवरी चार्ज अभी लगाई गई है यह सेलर द्वारा लगाई गई है और इस प्रोडक्ट पर कोई भी एश्योर्ड फ्लिपकार्ट की तरफ से नहीं लगाया गया है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको फिर से कार्ट में लिए चलता हूँ और यहाँ पर एक HP का लैपटॉप बैग जो कि आप देख सकते हैं 290 रुपये का है, इसमें हमसे कोई भी डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जा रहा है। ये जो 40 रुपये का डिलीवरी चार्ज है वो फ्री कर दिया गया है। और आप सभी को पता होगा कि फ्लिपकार्ट से अगर मिनिमम 500 रुपये का प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे उसके बाद डिलीवरी चार्ज फ्री होता है। अगर 500 से नीचे का प्रोडक्ट ऑर्डर करोगे तो आपसे डिलीवरी चार्ज 40 रुपये लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा बात यह है कि अगर आप फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप ले रखे हैं तो 500 के नीचे चाहे आप 10 रुपये का प्रोडक्ट यहाँ पर परचेज करो या फिर 40 रुपये का प्रोडक्ट परचेज करो, आपसे डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन सिर्फ उसी प्रोडक्ट पर आपसे डिलीवरी चार्ज नहीं लिया जाएगा जिस पर एसयूड लगा हो या फिर जिस पर जो है सेलर डिलीवरी चार्ज नहीं रखा हो। तो यहां पर इस बैग पर हम क्लिक करके आपको दिखाना चाहेंगे कि यहां पर एसयूड नहीं लगा हुआ है लेकिन 290 रुपये सेलर द्वारा रखी गई है। अब यहां पर स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आएंगे तो यहां पर कोई भी एक्स्ट्रा शिपिंग चार्ज या फिर डिलीवरी चार्ज सेलर द्वारा नहीं रखी गई है। ये जो 40 रुपये दिखा रहा है ना, ये 40 रुपये फ्लिपकार्ट की तरफ से रखी जाती है जो कि 500 रुपये से नीचे का प्रोडक्ट आप ऑर्डर करोगे, कोई भी प्रोडक्ट चाहे एसयूड का ही क्यों ना हो, कोई भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर करोगे तो आपसे ये चार्ज वसूले जाएंगे। लेकिन यहां पर फायदा इस प्रोडक्ट के साथ ये होगा कि सेलर डिलीवरी चार्ज नहीं रखे हुए हैं और फ्लिपकार्ट भी ये 40 रुपये का शिपिंग चार्ज या डिलीवरी चार्ज आपसे नहीं लेगा क्योंकि आप जो है फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप ले रखे हैं। तो यहां पर ये बेनिफिट आप लोग देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एसयूड वाले प्रोडक्ट के बारे में। तो कार्ट में चलते हैं और जस्ट हम स्लाइड करते हुए नीचे की तरफ आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 49 रुपये का USB जो केबल है इसके बारे में हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट के द्वारा एसयूड लगाया गया है तो इस पर हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद एसयूड ये लगाया गया है और 49 रुपये का ये प्रोडक्ट है। अगर आप फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप ले रखे हैं तो आपसे यहाँ पर डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। देख सकते हैं यहाँ पर फ्री डिलीवरी लिखा गया है, जो 40 रुपये लग रहे थे उसे काट कर फ्री कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो है सेलर द्वारा डिलीवरी चार्ज नहीं लगाया गया है और यहाँ पर ऐसे भी नहीं लगाया जाएगा क्योंकि ये फ्लिपकार्ट की तरफ से एसयूड प्रोडक्ट है। लगभग आप फ्लिपकार्ट की तरफ से जो एसयूड लगाया हुआ प्रोडक्ट को देखोगे तो उस पर आपको डिलीवरी चार्ज नहीं लगेगा। अगर हम फिर से कार्ट में चलते हैं तो यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट के बारे में बात करती हैं। तो यहाँ पर 109 रुपये का ये प्रोडक्ट है जिसमें एसयूड नहीं लगा हुआ है। तो ये डिपेंड करता है सेलर के ऊपर कि आपसे कोई डिलीवरी चार्ज ले रहा है या फिर नहीं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डिलीवरी चार्ज 24 रुपये हमसे इस प्रोडक्ट पर लिया जा रहा है। उसके जस्ट नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर 89 रुपये का एक प्रोडक्ट है जहाँ पर फ्लिपकार्ट का एसयूड लगा हुआ है।
हुआ है। तो यहाँ पर भी हमें फ्री डिलीवरी मिल जाएगा। आप लोग देख सकते हैं जो 40 रुपये था वो माफ़ कर दिया गया है, क्योंकि हम फ्लिपकार्ट का प्लस मेंबरशिप ले रखे हैं। तो अब तक बात आपको समझ में आ गया होगा कि फ्लिपकार्ट जो ये डिलीवरी चार्ज ले रहा है प्लस मेंबर होने के बाद भी, ये जो है अपने तरफ से डिलीवरी चार्ज नहीं ले रहा है, बल्कि सेलर के तरफ से ये डिलीवरी चार्ज लगाई जा रही है। और सबसे बड़ा बात, एस्योर्ड वाले प्रोडक्ट आप ऑर्डर करोगे, चाहे वो 10 रुपये का प्रोडक्ट हो या फिर 100 रुपये का प्रोडक्ट हो, उस पर डिलीवरी चार्ज आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बिना एस्योर्ड वाला प्रोडक्ट आप लोगे तो वो डिपेंड करता है सेलर के ऊपर, क्योंकि मैंने आपको बैग में भी दिखा दिया कि यहाँ पर एस्योर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन सेलर जो है यहाँ पर फ्री डिलीवरी दे रहा है, फ्री शिपिंग दे रहा है। ठीक है, ये जो 40 रुपये अभी माफ़ कर रहा है यहाँ पर, ये फ्लिपकार्ट की तरफ से माफ़ किया जा रहा है। और यहाँ पर भी एस्योर्ड नहीं लगा हुआ है, लेकिन ये जो सेलर है ना वो आपसे 25 रुपये डिलीवरी चार्ज कर रहा है। तो बात यहीं से क्लियर होती है कि कोई कोई प्रोडक्ट जिस पर एस्योर्ड नहीं लगा हो, या फिर कोई कोई ऐसे प्रोडक्ट है जिस पर सेलर द्वारा जो है डिलीवरी चार्ज या शिपिंग चार्ज लगाई गई हो, तो वो तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर फ्लिपकार्ट की तरफ से जो नॉर्मली 40 रुपये डिलीवरी चार्ज रखी जाती है, वो जो है आपको देना नहीं पड़ेगा, और एस्योर्ड प्रोडक्ट पर आपको देना नहीं पड़ेगा। तो इस वीडियो में हमने आपको, छोटे से वीडियो में हमने आपको पूरा क्लियर रूप से बता दिया है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से यहाँ पर फंडा है डिलीवरी चार्ज का। तो आई होप कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के छोटे बड़े अपडेट के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो से जुड़ी कोई भी सवाल हो आपके दिल में तो वे ही चेक कमेंट करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। धन्यवाद।